तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी ने तुर्की में एक नई उड़ान भरी है। रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय प्रताप को तुर्की में फर्स्ट इंटरनेशनल मेडिकल पुरस्कार मिला है। साथ ही डॉक्टर राजुल रस्तोगी ने 3 रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भारत समेत दुनिया के 25 देशों ने हिस्सा लिया। रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय प्रताप को फर्स्ट इंटरनेशनल पुरस्कार मिला। डॉक्टर राजुल ने प्रेजेंट किए अब तक के 130 इंटरनेशनल नेशनल रिसर्च पेपर सम्मान के असली हकदार चांसलर श्री सुरेश जैन और जीवीसी श्री मनीष जैन जी को बताया। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तीर्थंकर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस में 9 साल से हूँ। मेरे करियर में ये पहली बार हुआ है कि मैंने अंकारा बास्केट यूनिवर्सिटी अंकारा ने इनवाइट किया, उसमें उन्होंने मेरा 8 साल का पूरा टोटल एक्सपीरियंस और मेरे पेपर प्रेजेंटेशंस वगैरह टोटल देखकर मेरे को बुलाया वहाँ पे, और उन्होंने मेरे को फेलोशिप अवार्ड के लिए नामित किया। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम मेरा अचीवमेंट अवार्ड है ये मेरा। और सर, और मैं इनका शुक्रिया सर का, चेयरमैन सर का, बाकी और जितने भी मेरे मैनेजमेंट सर हैं सभी लोग का आशीर्वाद से ही मेरे को ये अवार्ड मिला है। थैंक यू। मैं डॉक्टर राजू रस्तोगी हूँ। मैं तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर मुरादाबाद में डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस में एसोसिएट प्रोफेसर का पिछले 5 साल से कार्यरत हूँ, और मुझे रेडियोलॉजी करते हुए ऑलमोस्ट 19 ईयर्स हो गए हैं। मैं रिसर्च और टीचिंग का बहुत शौक रखता हूँ, खुद को ट्रेन करता हूँ और स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करने का मुझे शौक है। इसी शौक ने मुझे बहुत सारे देशों में इधर उधर घुमाया और आज तक मैं 130 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुका हूँ इंटरनेशनल जर्नल्स में, और 10 से ज़्यादा इंटरनेशनल पेपर्स प्रेजेंट कर चुका हूँ इंटरनेशनल फोरम पे। इस तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के चेयरमैन मिस्टर सुरेश जैन जी ने मेरे को इतना अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी है कि हम यहाँ पर अच्छी मशीनों के साथ और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बहुत सारी रिसर्च कर सकते हैं, और इस रिसर्च को जब हम इंटरनेशनल फोरम पे प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर भी हमें बहुत सराहा जाता है। मैंने इस बार टर्की अंकारा में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि बाशकेंत यूनिवर्सिटी अंकारा और इंटरनेशनल मेडिकल साइंसेज एकेडमी न्यू दिल्ली इंडिया ने को ऑर्गेनाइज की थी, उसमें 25 से ज़्यादा देशों के रिसर्चर्स आए थे और वहाँ पर 150 से 200 डेलीगेट्स थे। उस कॉन्फ्रेंस में मेरे 3 रिसर्च पेपर थे, जिसमें से एक एब्डोमिनल कोकून सेकेंडरी टू ट्यूबरक्लोसिस था, एक एक्सोफेटिक हाइड्रेटेसिस था, और एक कैसे हम अल्ट्रासाउंड से नसों की बीमारी पकड़ के लेप्रसी को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। लेप्रसी मतलब कुष्ठ रोग, जो कि इंडिया में काफ़ी कम हो गई है लेकिन अभी भी हम केसेस देख रहे हैं, तो मैं अल्ट्रासाउंड से उसको अर्ली स्टेज में पकड़ने के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। जब मैंने ये वहाँ पर प्रेजेंट किया तो बहुत सराहा गया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम इंडियंस जब अपने काम को इकट्ठा करके एक रिसर्च पेपर बनाते हैं और इंटरनेशनल फोरम पर प्रेजेंट करते हैं तो काफ़ी सराहना मिलती है। और मैं सभी अपने सहपाठियों से, स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी अच्छा काम करें उसको रिकॉर्ड करें, उससे ना सिर्फ अपना बल्कि स्टूडेंट्स, सोसाइटी और हमारी इस तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का बहुत नाम होगा और जिससे हमें और आगे भी आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू।